अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। तो देवास जिले के अंदर प्रवेश करेगी, जो निर्माणी अवरुद्ध होते हुए दो कुंड पहुंचेगी, उनका के अंदर रात्रि विश्राम होगा। रात्रि सुबह फिर उनका से सुबह 9 बजे निकलेगी यात्रा। सुबह 9 बजे यात्रा निकलेगी तो नेवरी फाटा पहुंचेगी। नेवरी फाटा से जामगोट होते हुए रेवाबाग आएगी, देवास के रेवाबाग, देवास के इसमें रहेगी। हाँ, रेवाबाग के क्षेत्र में यात्रा 3 बार है, यात्रा सही हो जाए। शर्मा के सदस्य विजय चौधरी सदस्य गोपाल अग्रवाल, नगर पालिका नेमावर सदस्य राजेश जोशी जिला सदस्य, ये मोटे मोटे सदस्य बरोटा जाएगी। बरोटा से नीचे बरोटा डायरेक्ट मतलब विधानसभा क्षेत्र में नीति कहाँ से होगी? बरोटा से होगी ना यार, राजोदा पहले आएगा ना, उसके पहले राजोदा नहीं आएंगे ना। बैठक ली गई थी, किस लिए बैठक ली गई है और क्या आगामी कार्यक्रम? आगामी विधानसभा चुनाव में तैयारी की दृष्टि से भाजपा जिला देवास के प्रमुख पदाधिकारियों की एक बैठक आज जिला कार्यालय पर हुई है। उसमें आगे 26 जुलाई से 31 जुलाई के बीच प्रत्येक विधानसभा स्तर पर कार्यकर्ता सम्मेलन की योजना बनी। साथ ही 30 जुलाई को देश के गृह मंत्री वरिष्ठ नेता आदरणीय अमित शाह जी द्वारा संभागीय सम्मेलन बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं का होने वाला है, उसकी रूपरेखा बनी। साथ में जन जन के पूज्य संत रविदास जी के सागर के वर्तमान में होने वाले 100 करोड़ रुपए की लागत से मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो भव्य मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, उसके लिए पवित्र मिट्टी और जल के संग्रहण के लिए यात्राएँ निकाली जा रही हैं। उस यात्रा को 5 अगस्त से 8 अगस्त तक देवास जिले में भी निकलने वाली है, उसकी तैयारियों के संदर्भ में, और 2 अगस्त से 31 अगस्त तक मतदाता सूची का संक्षिप्त पुनरीक्षण जो होने वाला है, उसकी तैयारियों के लिए आज की जिले की बैठक थी, जिसमें हमारे जिले के प्रभारी माननीय मधुजी वर्मा और जिलाध्यक्ष श्री राजीव जी खंडेलवाल का मार्गदर्शन सभी कार्यकर्ताओं को मिला।